श्रेष्ठ टेक्निकल सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे कि विंडो के जो भी ऑटोमेटिकली अपडेट होते हैं उसको डिसेबल कैसे करें। हम पहले आपको स्टार्ट ओपन करके उसमें विंडो की के साथ आर दबाना होगा तो रन ओपन हो जाएगा। रन मेनू को ओपन करना है, उसमें jpedit.msc टाइप करके ग्रुप एडिट पॉलिसी में ओपन कर लेना है। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटर टेम्पलेट में जाना है आपको। उसके बाद उसमें विंडो कंपोनेंट्स को ओपन करना है। उसको नीचे लेकर आपको लास्ट में विंडो अपडेट ऑप्शन के अंदर जाना है, उसके अंदर। उसके बाद आपको उसमें सारे विंडो के अपडेट के फ्यूचर मिलेंगे, उस सारे फ्यूचर को आपको डिसेबल कर देना है। डिसेबल और नेक्स्ट सेटिंग पर क्लिक करके सारे ऑप्शन को बंद कर देना है। और इससे हम फास्ट भी कर सकते हैं, अल्टर के साथ डी और एन दबा के नेक्स्ट बटन पर हम शॉर्टकट की से जा सकते हैं। अल्टर के साथ डी और एन दबा कर और बाद में कोई एरर मैसेज आए, कंटिन्यू का बटन आए तो कंटिन्यू कर देना है और सारे ऑप्शन को हमको डिसेबल कर देना है। उसके बाद विंडो अपडेट फ्यूचर फॉर बिजनेस को भी हमको वो उसके भी सारे फ्यूचर डिसेबल कर देना है। उसके बाद पूरा वापस हमको एडमिनिस्ट्रेटर टेम्पलेट को मिनिमाइज कर देना है। उसके बाद नीचे यूजर कॉन्फ़िगरेशन में एडमिनिस्ट्रेटर टेम्पलेट दूसरा दिया हुआ है, उसके अंदर विंडो कंपोनेंट में जाके उसमें भी लास्ट वाला विंडो अपडेट में उसके अपडेट भी सारे बंद कर देना है। उसके बाद वो कंप्लीट अपडेट हमारा बंद हो जाएगा। उसके बाद एक सेटिंग आपको और भी करना पड़ेगा। वो है कि स्टार्ट को ओपन करके उसमें सर्विसेज को ओपन कर लेना है। सर्विसेज ओपन हो जाए उसके बाद W दबाना है उसमें, और W दबाने के बाद विंडो अपडेट्स ऑप्शन को राइट क्लिक करके उसमें प्रॉपर्टीज में जाके स्टॉप कर देना है और प्रोसेस को बंद कर देना है, और बाद में डिसेबल कर देना है कि वो परमानेंटली हमारा अपडेट डिसेबल ही रहे, और विंडो अपडेट डिसेबल कर देना है। बाद में हमारा कंप्यूटर रिस्टार्ट कर देना है। मेथड नंबर 2, विंडो अपडेट स्टॉप। एप्लीकेशन के थ्रू भी हम हमारा विंडो का अपडेट कैंसिल कर सकते हैं, अपडेट का परमानेंट ऑप्शन डिसेबल कर सकते हैं। उसको आपको डाउनलोड करके सेटअप लगा लेना है। बाद में ओपन नो वायरस थैंक्स विंडो अपडेट डिसेबल को ओपन कर लेना है। विंडो अपडेट स्टॉप ऑप्शन आपका ओपन हो जाएगा, उसमें इनेबल डिसेबल और विंडो अपडेट्स आर इनेबल का ऑप्शन दिखाई देगा आपको। विंडो अपडेट्स आर इनेबल मतलब कि आपका अपडेट्स ऑन है, आप जब डिसेबल पर क्लिक करेंगे तो विंडो अपडेट आर डिसेबल लिखा हुआ आ जाएगा। उसके बाद आपका जो विंडो अपडेट है वो ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। देखो उसमें विंडो अपडेट ओपन लिखा हुआ है, वहाँ पर क्लिक किया, चेक फॉर अपडेट दे दिया हमने, तो देख लो ये एरर आ गया है कि अपडेट आपका नहीं हो सकता, इक्विटेड एरर ऐसा मैसेज आकर वो एरर आ गया अभी। उसके बाद उसको वापस हम इनेबल करके देखेंगे, इनेबल क्लिक किया तो विंडो अपडेट्स आर इनेबल लिखा हुआ आ गया ग्रीन लाइन में। उसके बाद देखते हैं, राइट ट्राई कर रहे हैं, चेकिंग फॉर अपडेट हो रहा है, और अभी हमको मैसेज मिल जाएगी कि अप टू डेट योर विंडो कम्प्लीटली अपडेट ही हैं, ऐसा मैसेज हमको प्रेजेंट कर देगा विंडो, यू आर अप टू डेट।
ऐसे हम हमारा विंडो 10 को परमानेंटली अपडेट डिसेबल कर सकते हैं।